चलिए आपके कैसे हैं आप देखो आज आपके सीए फाउंडेशन की आप शुरुआत कर रहे हैं और सीए फाउंडेशन में आप बड़े जी जान से लगने वाले हैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुझे विश्वास है कि आपने जो ये कोर्स ऑप्ट किया है सिर्फ मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन को पास करने के लिए नहीं ये फाउंडेशन है फिर आपका इंटर आएगा फिर फाइनल आएगा सब कुछ कंप्लीट करने के लिए और ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है इस फाउंडेशन में हमारा मेन मोटिव होता है फाउंडेशन स्ट्रॉग करना मतलब अपना बेस करना मेरे बच्चों आपके सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का जो सिलेबस आपको मैं मैंने दिया हुआ है जो मैंने आपको अपने स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सारे लेक्चर्स जो है वो आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मेरे बच्चे कहीं भी किसी भी चैप्टर में किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं किसी भी की बात कर रहा हूँ हर एक चीज को मैंने कॉन्सेप्ट है आपको उन कॉन्सेप्ट है एक परेशानी जो आपको शुरू से आती है कि मैं कितने घंटे पढ़ू क्या मेरा टाइम शेड्यूल होना चाहिए कितने टाइम पीरियड में कोर्स खत्म करूं ताकि मैं आराम से एग्जाम दे पाऊँ पास कर पाऊँ और सक्सेस मेरे हाथ में आए मेरे बच्चे उसी पॉइंट को इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा पहले तो मैं आपको बताऊं आपका रूटीन पढ़ाई का कैसे बनना चाहिए ध्यान आप देखो सिक्स डेज आपके पास है आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे सेवन डेज एक्चुअली है बट सेवन में सिक्स इसलिए कहा क्योंकि संडे को मैं अभी काउंट ही नहीं कर रहा दिन आपको है पढ़ाई करने के लिए मंडे से लेकर आपका सैटरडे तक देखो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो ये एक्सपेक्टेड है आपसे कि आप कम से कम ग्यारह से बारह घंटे पर डे आप डिवोट करेंगे अपनी स्टडी में और ये ग्यारह से बारह घंटे डिवोट करना ये बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे ये ये नॉर्मल रूटीन है ये आप बचपन से करते आ रहे हैं अगर आप अपने आठवीं दसवीं क्लास में देखें तो जो आपने या कभी भी किसी भी क्लास में जो आपने स्कूल टाइम में जो अपने ट्यूशन टाइम पे या फिर जो आपने सेल्फ स्टडी पे टाइम डिवोट किया वो भी आपका यही 11-12 घंटे हुआ करता था वही चीज आपको कंटिन्यू रखना है हाँ पढ़ने का तरीका डिफरेंट होगा वहां पे आप कैजुअल थे कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े यहां पे वो काम नहीं चलेगा क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है और आपका जो करियर है मेरे बच्चे आपका जो लाइफ है वो बहुत हद तक इस पे टिका हुआ है इसमें सक्सेस मिलना या ना मिलना ये आपको आगे के जो आपके जो लाइफ स्टाइल होगा ना उस पर आपका मतलब उस पर इंपैक्ट डालेगा तो हमारी पूरी कोशिश होगी मैं जानता हूं कि आप भी कोशिश करेंगे कि आप इसके सक्सेस को पाए डिग्री को अपने हाथ में ले और फिर अपने लाइफ को अकॉर्डिंगली अपने आगे फ्यूचर में उसको लेकर चेंज करें मेरे बच्चे देखो आज मैं आपको दो तरीके का प्लान बताता हूं ये ध्यान में रखते हुए कि आप में से हर एक बच्चा जो मेरी क्लास को परचेज किया है वो ग्यारह से बारह घंटे अपनी पढ़ाई पर डिवोट करेगा इस ग्यारह से बारह घंटे में जो आपके क्लासेज है जो आप क्लासेज देख रहे हैं मेरे बच्चे एक तो वो प्लस जो आपका रिविजन होगा वो सब कुछ उसमें कवर्ड होगा सुनिए मेरी बात दो तरीके का रूटीन बनता है कंसिडरिंग आपका एलेवन टू ट्वेल्व आवर्स Element, की भी अगर बात करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है देखो एक तरीका हमारे पास क्या होता है रखा इको के लिए. Accounts, इको, accounts, इको, ये आपको एक रूटीन दे रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए अकाउंट्स इको आपका ठीक है ना तीन दिन आपका और बच्चे, बाकी के जो तीन दिन आपका है ट्यूसडे हो गया थर्सडे हो गया सैटरडे हो गया या फिर इंटरचेंज भी हो सकता है आपने मैथ्स अपना मैथ्स और प्लस आपने लॉ को डिवोट किया मतलब मैं चाहूंगा और आप भी जरूर चाहेंगे कि आपका क्या हो कि जो आपका सिलेबस डिजाइन हो उसमें मेरे बच्चे आपको यह ध्यान रखना है पढ़ते समय कि एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो आप इस तरीके से रूटीन को आप लेके चलिए आप है ना एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके पास काफी टाइम है एक सब्जेक्ट पर डिवोट करने के लिए यहाँ पे अगर देखें तो आपका 11 घंटे में एक घंटा में अगर छोड़ दू कि आप रिवीजन या होमवर्क भी करना चाहते हैं तब भी फाइव आवर्स फाइव आवर्स का डिवोशन यहाँ पे आपके पास रखा हुआ है एक दूसरा तरीका है कि नहीं सर मैं तो चारों पेपर को चारो दिन पढ़ना चाहता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे अगर चारों पेपर को चार दिन पढ़ना चाहते हैं आप छह दिन पढ़ना चाहते हैं तो भी आप दो दो घंटे भी अगर सब पे डिवोट करते हैं तो एट आवर्स बनते हैं बाकी के तीन घंटे आप रिवीजन पे अपना या होमवर्क पे अपना डिवोट कर सकते हैं बट एनी तो ही होगा ये आपको पहले प्रोमिस करना होगा अगर सचमुच में डिग्री को कंप्लीट करना चाहते हैं तो दूसरी बात मेरे बच्चे संडे को मैंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको मस्ती करना है संडे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना बिल्कुल भी और वो मस्ती कैसे होगा आपका रिवीजन के थ्रू आप रिवीजन करेंगे इस एक वीक में आपने जो भी कुछ स्टडी किया उसका आपका यहां पे क्या होगा जी रिवीजन होगा इस एक वीक में या पहले का कोई चीज पढ़ा हुआ आपने उन सब का आप रिवीजन करेंगे इसका प्रॉमिस कीजिए रिवीजन ही नहीं अगर किसी वीक में किसी एक दिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी कारण से कुछ होता कभी कभी घर में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं उसको भी आप डेडिकेटली यहां पे पूरा करेंगे मतलब इस वीक की कमी इस वीक में ही दूर होगी अगले वीक में आप जाने नहीं देंगे ये भी आप पहले से बिल्कुल आपको लेके चलना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों जो रूटीन आपको बताया जा रहा है जो टाइम आपको दिया जा रहा है ये हम सबने फॉलो किया है आपको भी करना है और फिर देखो ना ये जो 10-11 घंटे की जो आप स्टडी करोगे ना कॉन्टिन्यूस जो स्टडी करोगे बिलीव कीजिए एग्जाम के टाइम पे किसी तरीके का टेंशन डर आपके अंदर आएगा ही नहीं क्योंकि वो चीज जो आपको पढ़ना था पहले से कोर्स खत्म कर चुके हैं कई बार आप उसका रिविजन कर चुके हैं कई बार कर चुके हैं तो उस केस में आपको इंजॉयमेंट लगेगा एग्जाम देना भी और वही काम हम लोग करने वाले हैं तो मैंने आपको बताया आपकी मर्जी या तो ऑल्टरनेट सब्जेक्ट को प्लान कीजिए या फिर छह दिन आपने चारों सब्जेक्ट्स को प्लान करना है आपको आपको जो जिसमें बनता है उस तरीके से आप काम कीजिए ठीक है ना फिर आ गया आपका यहां पे संडे जो कि रिवीजन कर रहेगा ना अब डिपेंड करता है कि एक चैप्टर पे मुझे कितना टाइम देना है कितने दिन में चैप्टर को खत्म करूं मेरे बच्चे वो प्लान मैंने यहां पे आपके लिए रखा हुआ है आपके सीए फाउंडेशन का स्टडी प्लान जिसमें फोर मंथ्स फाइव मंथ्स और थ्री मंथ्स में मैंने डिवाइड किया है मतलब अगर आपके पास आज जिस दिन कोर्स आपने परचेज किया और उस समय से लेकर लगता है कि आपके पास फोर डेज कुछ दिन आपके पास है तो फोर मंथ्स के प्लान को आपको फॉलो करना होगा अगर आपको लगता है कि फाइव मंथ्स कुछ दिन हमारे पास है या फिर सिक्स मंथन एट मंथ है तो भी आपको क्या करना है मंथ्स के प्लान को मतलब ये नहीं कि यार एग्जाम सात महीने का है तो मैं थोड़ा ढीले हो जाऊ नहीं होना मेरे बच्चे आपको बाकी का जो टाइम पीरियड बचेगा उस उसमें रिविजन करना है रिविजन पर फोकस करना है लेकिन पढ़ाई आपको क्या करना है इसी को ध्यान में रखते हो क्योंकि यही स्टैंडर्ड टाइम आपका होता है कुछ बच्चे जो लेट कोर्स परचेज किए हैं टाइम कम है थ्री मंथ्स है थ्री मंथ्स कुछ दे जाए या मंथ्स से थोड़ा सा कम है तो थ्री स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे ये जो प्लान है है मैंने मंथ्स के हिसाब से बनाया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो आपके पास टू मंथ्स एंड कुछ दिन है तो इसको थोड़ा और टाइट करना होगा मेरे बच्चे बट आप इजली कवर कर जाएंगे कुछ बच्चे क्या होते हैं सेलेक्टिव स्टडी करते हैं कि यार इसको छोड़ देता हूं इसको पढ़ लेता हूं वो काम ना मैं कभी किया मैं चाहूंगा कि मेरा कोई भी बच्चा करे आप सबको पढ़े पूरा प्रॉपर नॉलेज लेकर जाए मेरे बच्चे आइए एक्सप्लेन करूं किस चैप्टर पे कितना वेटेज देना है क्या चैप्टर का वेटेज है आप मेरे साथ सुनेंगे यहाँ पे पहला आपका थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग पहला चैप्टर आपका जो मैंने मेरे बुक में आपको देखेगा बच्चे इसके अंदर में जितने भी आपके अकाउंटेंसी की थ्योरी है डबल एंट्री अकाउंटिंग अकाउंटिंग का फंक्शन प्रिंसिपल्स कन्वेंशन आपके कैपिटल रेवेन्यू मतलब जितने थ्योरी कवर किया हुआ है सारे थ्योरी उन पे बने हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन उन पे सारे जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है छ क्लासेज इसमें है टोटल टेन आवर्स का इन एनी सरकमस्टांसेज अगर आप फोर मंथ्स का आपका रूटीन फॉलो कर रहे हो तो फाइव डेज में इसको खत्म करना है अगर आप फाइव मंथ्स का रूटीन फॉलो कर रहे हो तो मेरे बच्चे सिक्स डेज में एंड थ्री मंथ्स तो आपका फोर डेज में इसको खत्म करना है ये वो डेडलाइन है जितने दिन के बीच में आपको खत्म कर लेना है और हाँ मैं बता दूं ये जो मैंने फाइव डेज कहा है यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे पर डे आप स्टडी कर रहे हो ये मानते हुए आप कह दो कि सर मैं तो ऑल्टरनेटिव स्टडी कर रहा हूं तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो फाइव डेज है ना वो टू पॉइंट फाइव हो जाएगा टू पॉइंट फाइव का मतलब आपको एक यहां स्टडी करना होगा दूसरा यहां पे खत्म करना होगा मतलब तीन में क्यों जाऊ है ना तो दो ही खत्म करूं यानी तब भी टाइम एन है आपके पास है ना आपके पास कितने दस घंटे है ना तो फाइव और फाइव करके आप स्टडी कर सकते हो तो वो आपको डिपेंड करता है कि अगर आप डेली स्टडी कर रहे हो अकाउंट्स तो आपको क्या करना है इतने दिन में खत्म कर लेना बच्चे और अदरवाइज एक चीज और बता दू आप कितने घंटे पढ़ रहे हो किस दिन को पढ़ रहे हो किस टाइम पे पढ़ रहे हो सारे चीज मेरे पास रिपोर्ट के रूप में आती है मैं और मेरी जो टीम है मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे आपके प्रोग्रेस पे लगी रहेंगी स्टार्टिंग से टिल द एंड तक जो भी चैप्टर आपने एंड किया हमारे पास खबर आई वो खबर आपके पास पहुंचे कि हाँ जी आपने खत्म कर लिया है उस चैप्टर के बाद ही उसका टेस्ट आपका होगा वहीं पे टेस्ट आपका होगा टीम आपको पेपर भेजेगी आप वहां पे सॉल्व करेंगे आप आंसर भेजेंगे

बैकग्राउंड के हैं और अच्छा छोड़ दो ये मेरे कुछ भी नहीं क्योंकि वही 11 वाली बात है, 11 वाली बात है। हाँ इसमें जीएसटी के जो अलग से फोर आवर्स की मेरी रिकॉर्डिंग उसको पढ़ जाना क्योंकि वो चैप्टर वो कॉन्सेप्ट पूरे आपके अकाउंटेंसी में यूज किया जाएगा तो वो तो फोर आवर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो ग्यारह से है आपका उसको आपकी मर्जी है आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो या तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो लगता है कि कि यार सब कुछ आता है है फिर छोड़ो आप आगे बढ़ो अगर लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए तो आप उसको पढ़ सकते हो इजली कोई दिक्कत नहीं है अगर लगता है कि यार थोड़ा बहुत हमें मतलब बहुत कम की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हो उसका ऑप्शन है वीडियो क्लास के अंदर में आप चाहे तो जितना स्पीड बढ़ा के उसको देख सकते हैं है ना तो ये आपके मर्जी लेकिन मेरे बच्चे जिनका इलेवेंथ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में कॉन्सेप्ट वीक था जनरल एंट्रीज पास करने में दिक्कत आती थी या जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं कई सारे बच्चे जो साइंस से आप आए हो इसके अंदर में उन बच्चों को तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी करना है बहुत अच्छी तरीके से पर बच्चे मंथ्स वाले में ये में ये डेज आपको खत्म करना है जो फाइव मंथ्स का सिलेबस है उसमें एट डेज में आपको खत्म करना है और थ्री मंथ्स वालों को फाइव डेज में खत्म करना है ये पूरा जनरल एंट्री इंक्लूडिंग जीएसटी याद रखना जीएसटी तो सबको पढ़ना है ठीक से इसके लिए आपकी मर्जी जैसे खत्म करें फिर आपका लेजर एंड ट्रेवल्स अगेन ये टूल क्लास वाली ए, एलेवन क्लास वाली चीजें कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर में तो आप मेरे बच्चे आप इसमें घंटे का आप थ्री डेज थ्री डेज टू डेज, डेज में आप टारगेट रख सकते हो इसको खत्म करने के लिए सब्सक्रिप बुक कैशबुक अगेन ये आपका ट्वेल्थ क्लास इलेवन क्लास वाला ही है ये आपका बारह घंटे का है फाइव सिक्स और फोर डेज में आप इसको प्लान आउट कर सकते हो ये अगेन ये जो टू ए टू बी टू सी है ना मैं बार बार कह रहा हूं जीएसटी वाली एंट्री छोड़कर बाकी के लिए जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था 11 क्लास में आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो लेकिन बाकी बच्चों को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है अब शुरू होता है टू डी यहां से अब आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ भी इसके आगे की जो चीजें ना कुछ भी इसके आगे की चीजें वो इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास का बेस नहीं मेरे बच्चे ये हाई लेवल की चीजें है ये एक्चुअली कोर्स में इसलिए डाला गया ऊपर में टू ए बी सी क्योंकि जो बच्चे दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी अकाउंटेंसी पता हो जाए बस लेकिन मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल के हैं वो टू डी शुरू होते रेक्टिफिकेशन ऑफ एलियर भूल कर भी इलेवेंथ क्लास वाला लेवल को आप मत समझना आगे किसी भी चैप्टर के लिए

बैंक रिकॉन स्टेटमेंट अगेन एलेवन क्लास वाला नहीं बचे उससे हाई लेवल का है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे आपका यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट आते हैं तो फाइव क्लासेज सेवन आवर्स मैंने डिवोट किया थ्री फोर और टू डेज में आपको फिनिश करना है ये टारगेट होगा कि इतने दिन में खत्म करना ही करना है चाहे भगवान भी आके बोले कि यार आज मत कल पढ़ लेना बोला, कि हमारे सर ने बोला कि ये है। इतने दिन में खत्म हो जाएगा मस्ती करना, है। लेकिन काम को पेंडिंग छोड़ के करना है, ये नहीं होने दूंगा ठीक है ना याद रखना अगर आपने कुछ भी गलत किया अगर आपने एक भी दिन स्किप किया ना तो आपके सपने में आके आपको इतना मैं उल्टा सीधा बोलूंगा कि मैं क्या बताऊं इसलिए आप वो काम नहीं करेंगे मुझे विश्वास है मेरे बच्चे अब आता है आपका यहाँ पे एक है इन्वेंट्री ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन भी हमेशा इससे बनते हैं इनवेंट्री आपको मैंने यहां पे आवर्स रिकॉर्ड किया एस टू आपको बिलीव नहीं होगा कि फाउंडेशन में ये हाई लेवल का पढ़ना है और जो आप सी इंटर में आएंगे वहां लेवल कम हो जाएगा सी इंटर में मेरे बच्चे ए एस टू सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे सिर्फ ए एस टू नहीं पढ़ना है ए एस टू तो पढ़ना ही पढ़ना है

अगला आया आपका अगेन आप वो 11 क्लास वाला मत समझना अच्छा है अच्छे लेवल है अच्छे लेवल है क्वेश्चन आपके हैं नाइन क्लासेज है जो सिक्सटीन आवर्स एट नाइन और सिक्स डेज में आपको एंड करना है मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं क्या ताकि आपको दिखे और ये आपको ध्यान रखना मेरे बच्चे ठीक है ना ये देखे आप इसके बाद फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन ये आपको ध्यान रखना है इसमें से कुछ भी शायद आपने नहीं पढ़ा हुआ है अपने वो इलेवन टूल क्लास में ये सब कुछ नया है आपके लिए ऊपर वाली चीजें भी है अच्छे लेवल की है बट यहाँ समझेंगे आप अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन मेरे बच्चे एक है आपका बिल सो एक्सचेंज सर ये तो पढ़ा हुआ है हाँ लेकिन वो लेवल नहीं है ये बहुत मस्त लेवल का बिल सो ऑफ एक्सचेंज इसमें एक टॉपिक है म्यूचुअल एकोमोडेशन वो तो मतलब माय गॉड वो सिर्फ आपको समझ में आएगा दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता वो सब हम यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्टिंग वे में क्या मस्त मजा आएगा वहां पे हमें तो हम वो भी सीखेंगे मेरे बच्चे 8.5 पॉइंट आर्स का टाइम मैंने डिवोट किया है फोर फाइव और थ्री डेज में आपको फिनिश करना है जो भी आप शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं गुड बेसिस पे मुझे विश्वास है कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जो किसी बच्चे को ज्यादा समझ में नहीं आता लेकिन आप इसमें खेल खेलेंगे आपको इतनी मस्ती इस चैप्टर में आने वाली है इतनी मस्ती कि मैं क्या बताऊं

अपनी ऐसे ही मन से नहीं लिख डेज आपका प्रॉपर तरीके से प्लान करके लिखा है कि कितने टाइम में बच्चा आराम से इजली खत्म कर सकता है तभी मैंने डेज यहां लिखा है बच्चे और आपको उसमें एंड करना है एवरेज यूनिट का टाइम पीरियड आपका टू क्लास का है, टू पॉइंट फाइव एक दिन में आपको फिनिश करना है अकाउंट करंट दिस इज नॉट करंट अकाउंट नया चैप्टर नया कॉन्सेप्ट एक ही क्लास से थ्री आवर्स का आपको एक दिन में खत्म करना है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोलो प्राइवेट ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा था आपने जिसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का शायद मैनुफेक्चरिंग उसमें नहीं होता था एनीवे anyway, वे हमें क्या फर्क पड़ता है हम सब यहाँ पढ़ेंगे और इलेवन क्लास का लेवल नहीं मेरे बच्चे बहुत हाई लेवल का और जितना एक्चुअली जब भी अकाउंट में कुछ हाई लेवल होता है ना हम चीजों को उतना एंजॉय करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा ना आपको मजा आएगा ये एट क्लासेज सिक्सटीन आवर्स में आपको पूरा का पूरा मैंने कवर किया है इसका एमसीक्यू के साथ एट डेज एट डेज और सिक्स डेज में आपको इसको फिनिश करना है पार्टनरशिप ये तो आप ट्वेल्थ क्लास में शायद एक बुक ही आपका होता था पार्टनरशिप का मेरे बच्चे पूरे को आपको यहाँ पे करना है, आप में आपका वो फंडामेंटल एडमिशन रिटायरमेंट आपने कितने महीने गुजारे थे अपने में, वो सब कुछ पढ़ना यहाँ पे और कहीं ऊपर हाई लेवल का वो तो बहुत छोटा लेवल था आपके बारहवीं क्लास में कितने ट्रिकी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी बनते हैं ये बनते हैं वो बनते हैं सब कुछ मैंने कवर किया है 37 सेवन आर्स मैंने इसमें डिवोट किया आपके लिए 16 क्लासेज जो बच्चा इसको ठीक से पढ़ जाए सवाल ही नहीं बनता कि कोई क्वेश्चन वो के जाएगा पहले टॉपिक आपका आईपीसीसी लेवल में हुआ करता था उन्होंने सेम लेवल सेम लेवल रखा उसको डाल दिया फाउंडेशन में मतलब तो आपको मजा आएगा जो जितने ज्यादा हाई लेवल का होगा उतना आपको मजा आने वाला है सिक्सटीन डेज सिक्स डेज और थर्टीन डेज में आपको इसको एंड करना मेरे बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट एनपीओ अगेन एनपीओ को बारहवीं क्लास वाला मत समझना बहुत मस्त लेवल का एनपीओ यहाँ पे बहुत मस्त लेवल का ये आईपीसीसी में भी लोग कांपते थे मतलब सी ए इंटर के अंदर में कि यार ये क्या आ गया अब तो मतलब आपके लिए बच्चे का खेल बनाऊंगा बिलीव कीजिए देखो झूठ नहीं बोल रहा है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना आपको एनपीओ एनपीओ ही मजा आएगा और कुछ भी नहीं आएगा तो एनी वे एनपीओ मेरे बच्चे टेन क्लास ट्वेंटी आवर्स टेन डेज टेन डेज सेवन डेज में आपको एंड करना है फोर मंथ्स का प्लान फाइव मंथ्स का प्लान और आपका यहाँ पे थ्री मंथ्स का प्लान ठीक है ना इसके बाद आप आइए यहाँ पे तो आपका यहाँ पे आ गया कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट ये आपका एक्चुअली जो बारहवीं क्लास में था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी वही है मेरे बच्चे बट आपके इंस्टीट्यूट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी को डिटेल में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया इंटर में उसका बहुत छोटा सा पार्ट उन्होंने फाउंडेशन में डाल दिया है वो छोटे से पार्ट को भी अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्चुअली मैंने क्या किया आपको इन तीन क्लासेज में सिखाया है का टाइम डिवोट किया तीन दिन तीन दिन दो दिन में खत्म करना ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे इंटर में बहुत मस्त तरीके से होगा तो आपको यहाँ पे अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है टारगेट है क्या कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाना कोई भी किसी तरीके का तो मेरे बच्चे आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए ऐसा हो ही नहीं सकता आप जब एग्जाम दे बाहर निकलोगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही, आप गुस्सा करोगे मेरे ऊपर पे कि सर आपने तो इतने बड़े लेवल का पढ़ा दिया एग्जाम में इतना सिंपल आ गया वो इसलिए सिंपल आपको लगेगा क्योंकि आपने उस लेवल का पढ़ा हुआ है प्रूफ करूंगा ना थोड़ा समय तो गुजरने दो और मेरे बच्चे लास्ट में इश्यू ऑफ डिवेंचर टू क्लासेज है फोर आवर्स टू टू एंड वन डे में खत्म करना है नाइनटी सिक्स डेज में ये खत्म होगा आपका फोर मंथ्स का यानी कि फोर मंथ्स एक महीने में मैं काउंट कर रहा हूं सिर्फ ट्वेंटी फोर डेज मतलब मंडे टू सैटरडे वाला संडे वाला आपका रिविजन के लिए है टेस्ट के लिए है मस्ती के लिए है और एक दो दिन मैंने गैप भी छोड़ दिया अगर आप बदमाशी थोड़े किए तो थो, तो भी आपको क्या ही होगा खत्म होगा वन जीरो सिक्स यानी कि लगभग साढ़े चार महीने में पौने पांच महीने में ये कोर्स खत्म हो जाएगा आपका और ये देखो आपका थ्री मंथ्स में कोर्स खत्म हो जाएगा अगर आपने इसको ठीक से पढ़ाई किया तो मेरे बच्चे ये प्लान जो मैंने आपको बताया हुआ है ये जो प्लान बताया हुआ है इसी को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करना और प्लीज मेरी बात मानना कि जो टाइम पीरियड है जैसे फोर मंथ्स का प्लान किसके लिए जिनका एग्जाम फोर मंथ्स प्लस कुछ दिन में है फाइव मंथ्स किस का किसका है जिनका एग्जाम फाइव मंथ्स प्लस कुछ दिन या फिर उसके आगे है ये कि एग्जाम में आठ महीने तो ढीले हो जाएंगे ढीले नहीं होना मेरे बच्चे जिस दिन आप ढीले हो गए जिस दिन आपको लग गया कि आज नहीं पड़ूंगा, कल पढ़ूंगा खराब हो रहा है अगर एग्जाम तो <coughs> क्लियर ना ये काम करना है थ्री मंथ्स का प्लान किसके लिए जो कि थ्री मंथ्स में कोर्स खत्म कर रहा है थ्री मंथ्स प्लस कुछ दिन आपके हैं अगर आपके यहाँ पे मान लो टू पॉइंट सेवन फाइव मंथस है जी तो इसको मेरे बच्चे और थोड़ा स्ट्रेच करना होगा थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना होगा लेकिन ये आने से ना आपको कम से कम पता है कि कितने दिन में मैं मैं कोर्स खत्म कर लूंगा आप इसको पढ़े, मैं आपके साथ हमेशा हूं हूं तब तक हूं जब तक जब आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते हैं और मेरे बच्चे जब भी कुछ डाउट्स होता है इनकेस आपका कुछ तो डाउट सेशन नंबर आपके पास मेल में या व्हाट्सएप में गया होगा आपको उस मेल में जो नंबर मेरा है उसी पे आपको डाउट्स पूछना है फोर टू सेवन एक्सेप्ट कैसे पूछेंगे तो आप कॉल करोगे तो उससे कॉल नहीं करना आपने क्योंकि कॉल करोगे तो फिर दूसरे बच्चों के डाउट्स कट जाते बीच में आपको क्या करना जिस क्वेश्चन में डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कीजिए नंबर पे एंड वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो उसमें क्या डाउट है आपको मैं फटाफट उसमें रिप्लाई करूंगा बट ये डाउट का सेंड करना फोर टू सेवन के बीच में ही होगा मतलब जो टाइमिंग आपको दिया गया है ना उसके पहले ना बाद में ठीक है ना इस बात को ध्यान रखेंगे आप और आप पढ़ें एंजॉय कीजिए मैं पूरा आपके ऊपर में ट्रैक रखा एक-एक एक्टिविटी एक के ऊपर में अगर आप बदमाशी करेंगे तो आपके पापा मम्मी का नंबर भी मेरे पास है हम उनके पास भी पहुंचेंगे कि बच्चा बदमाशी कर रहा है मार्क्स कम ला रहा है तो आपके अंदर में कंपटीशन स्टार्टिंग से रहेगा आप इस कंपटीशन को एंजॉय करेंगे और लाइफ को आगे बढ़ाएंगे आप सबको बाय बाय टाटा चलो बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं थैंक यू थैंक यू जी आज से पढ़ाई करते हैं कल से थोड़ा ही आज से करेंगे जो भी काम हमारे प्रोफेशनल कोर्स में करना होता है वो कल नहीं आज से शुरू होता है आज से थैंक यू बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट

Thank you, Snickers. Thank you, Tim Smith.